आप सभी लोगों का स्वागत है, मेरा नाम है यशदेव मलिक। तो अगर आप थाईलैंड वर्क वीजा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि थाईलैंड वर्क वीजा का पूरा प्रोसेस क्या है, आप उसे खुद कैसे लगा सकते हैं, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप इसमें एप्लीकेशन अपनी बना सकते हैं, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू लगा रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल में क्या हो रहा है, किसी थर्ड पार्टी की हेल्प ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, वहां पे जॉब कैसे आप ढूंढ सकते हैं, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और वर्क वीजा से रिलेटेड थाईलैंड के लिए आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहते हैं। हमने काफी वर्क वीजा की वीडियोस अलग अलग कंट्रीज की ऑलरेडी अपलोड भी की हुई है और भी आगे करते रहेंगे। तो थाईलैंड, आप में से काफी सारे दर्शक सोच रहे होंगे, काफी व्यूवर्स सोच रहे होंगे कि थाईलैंड क्यों भाई, लोग जाते हैं, यूके जाते हैं, कनाडा जाते हैं, फ्रांस, जर्मनी, शेंगेन एरिया जाते हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाते हैं, यहाँ तक कि जापान, कोरिया भी जाते हैं, थाईलैंड कौन जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थाईलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड डेस्टिनेशन है। थाईलैंड के लिए भी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती हैं। वहाँ पे वर्क वीजा मिलना बाकी देशों के मुकाबले पहली बात आसान है, वहाँ पे जॉब मिलना बाकी देशों के मुकाबले वो भी आसान है, वहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर भी ठीक है, इतना बुरा नहीं है। और वहाँ पे आपको जो बहुत ज्यादा डिफरेंस अगर महसूस करता है सोसाइटल बेसिस पे, जैसे अगर आप एकदम से ही इमिग्रेट कर जाते हैं जापान में तो आपको सोसाइटल डिफरेंस मिलता है, अडेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है, थाईलैंड में वो नहीं है। क्योंकि वहाँ पे एक तो बहुत लार्ज अमाउंट में इंडियन टूरिस्ट वहाँ पे जाते रहते हैं, और प्लस वहाँ पे काफी सारे इंडियंस वहाँ पे सेटल भी हैं जो अपना बिजनेस और जॉब्स वगैरह में ऑक्यूपाइड हैं। एक ओपन सोसाइटी है थाईलैंड। थाईलैंड वैसे भी काफी सारा फेमस है अपने ग्लैमर की वजह से, तो वहाँ पे एक ओपन सोसाइटी है, तो एक आपको फ्रीडम महसूस होती है वहाँ पे रहते हुए। थाईलैंड के लिए आप वर्क वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हो? थाईलैंड के लिए सबसे पहले आपको वर्क परमिट चाहिए होता है, जो कि काफी आसान है। लोगों को लगता है काफी मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, ये काफी आसान है अगर इसे टेक्निकली किया जाए। यहाँ पे काफी सारी गलतियां होती हैं, लोग वहां पे वीजा ऑन अराइवल पे जाके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट है और उसमें सक्सेस मिलना काफी मुश्किल है। तो अगर आप वहां पर देखिए, अब या तो आपके पास बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही अच्छा अगर आपके पास कोई इमिग्रेशन अटॉर्नी है तो आपका काम बन सकता है। अदरवाइज मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप यहां से थाईलैंड का वीजा लेकर जाएं। यहां से थाईलैंड का वीजा भी आसानी से मिल जाता है, आपको सिर्फ आपका पासपोर्ट देना होता है, 6 महीने की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देनी होती है, आने वाले टाइम में आपको COVID-19 का मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना पड़ सकता है, और आपके अकाउंट में एक थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, साथ में वहाँ पे होटल वाउचर्स और रिटर्न ए टिकट्स, आप ये चीजें दिखाते हैं आपको टूरिस्ट वीजा मिलने के काफी अच्छे चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हो गया आपको टूरिस्ट वीजा मिल गया, सेकेंड स्टेप हो गया कि वहां पे जॉब भी तो मिलनी चाहिए। तो थाईलैंड में काफी अच्छे जॉब पोर्टल्स हैं जहां पर आप जॉब ढूंढ सकते हैं, उनमें से कुछ मैं आपको रेफर भी कर देता हूं, आपकी स्क्रीन पे लिखे आ रहे होंगे ये कुछ पोर्टल्स हैं, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे उनका लिंक वहां पर भी मेंशन होगा। लेकिन मैं बिल्कुल भी इन पोर्टल्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे आपके सामने ये रख रहा हूं। इस पे बुकिंग करना, पेमेंट देना या नहीं देना, ये सब आपकी एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, जैसे हमें इंडिया में जॉब ढूंढनी होती है, हम क्या करते हैं, अलग अलग पोर्टल्स में जाते हैं, naukri.com, xyz, पता नहीं कितने सारे, ऐसे ही थाईलैंड में भी बहुत हैं। तो उसमें से कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको दे दिए। अब ठीक है, ये हो गया, अब वहां पे जॉब कैसे अप्लाई करनी है। तो जैसे कि मैं अपनी हर वर्क वीजा वीडियो में बताता हूं, तो यहां पर भी मैं बताना चाहूंगा कि आप बेसिकली उसी पोजीशन, उसी फील्ड में अप्लाई करें जिसका एक्सपीरियंस और एजुकेशन आपके पास हो। यानी अगर आपने जिसमें एजुकेशन करी हुई है, आप वो सर्टिफिकेट प्लस जहां का आपका एक्सपीरियंस है वहां का एक्सपीरियंस लेटर, ये दोनों मिला के आप उस फील्ड को चूज करेंगे जो सबसे ज्यादा सिमिलर हो। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप होटल इंडस्ट्री से आपका एक्सपीरियंस, आपने होटल्स में काम किया है और होटल मैनेजमेंट की भी डिग्री है आपके पास, तो आपको जॉब मिलना बहुत आसान है। अगर आप एकदम से अपनी फील्ड चेंज करेंगे तो जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। और उसके अलावा आप जब जॉब ढूंढते हैं, जो मैंने पोर्टल्स आपको बताया, आपने इसमें जॉब एप्लीकेशन अप्लाई करी, एप्लीकेशन में क्या भेजना होता है, सबसे पहले आपके पास आपका बायोडाटा होना चाहिए। बायोडाटा सबको पता है क्या होता है, रिज्यूमे, करिकुलम विटाए, तो ये आपके पास होना चाहिए। इसमें आप अपना एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बना हुआ रिज्यूमे तैयार करेंगे, जिसमें आप अपना जितना भी एक्सपीरियंस एजुकेशन से लेके, वर्क से लेके, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, ये सारी उसमें अपना ब्यौरा देंगे, और उसमें एक फोटोग्राफ भी आप अपनी
अटैच करेंगे। अब फोटोग्राफ में भी लोग गलतियां कर देते हैं, फोटोग्राफ में वो बिल्कुल ऐसा सीरियस सा चेहरा लगा के फोटो खिंचवाते हैं, बड़े अनहैप्पी, बड़े कॉन्शियस से लगते हैं कि हम बड़े कॉन्शियस हो रहे हैं कि प्लीज हमें जॉब दे दो। ऐसा नहीं, स्माइल करिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ, स्माइल करके फोटो खिंचवा के उसको आप उसमें अटेस्ट करिए। यहाँ पर गलतियां काफी सारे लोग करते हैं फोटोग्राफी में भी। फोटोग्राफ में मैं बार बार इसलिए आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि फोटोग्राफ में अगर आप अपना कोई फंकी सा हेयर कट आपने किया हुआ है और फंकी सी आपने शेव करी हुई है तो वो आपको इतना अच्छा आपका इंप्रेशन नहीं देगा एम्प्लॉयर के आगे। तो ड्रेसिंग्स बिल्कुल वेल मैनर्ड ड्रेस होनी चाहिए। आपने शर्ट पहनी हो, अगर आप चाहते हैं टाई लगाना तो आप टाई लगाइए, आप शेव रखते हैं तो शेव रखिए, अगर क्लीन रखते हैं तो क्लीन रखिए। फंकी सा हेयर स्टाइल ना करें, वो पॉइंटी वगैरह ऐसा, इन चीजों को अवॉइड करें, उससे आपकी स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ता है। कोई भी इंप्लॉयर ऐसे फंकी इंप्लॉई को लेते वक्त थोड़ा सा घबराता है, तो इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा फोटोग्राफी को रिलेटेड। आपने अपना रिज्यूमे बना लिया, जैसे अभी मैंने बताया आपने उसमें फोटोग्राफी बहुत पॉजिटिव लगा ली, अब इसमें आपने साथ में अटैच करना है अपने जितने भी आपने ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो भी मार्कशीट और डिग्रीज हैं वो आप अटैच करिए। अगर वो हिंदी में है तो उन्हें इंग्लिश में किसी ऑथराइज ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करवाइए, वो अटेस्ट कर दिया आपने। अपना वर्क एक्सपीरियंस लेटर, जहां पर भी आपने काम किया हुआ है, चाहे आपके पास वहां का ऑफर लेटर है, रिलीविंग लेटर है, वर्क एक्सपीरियंस लेटर है, एप्रिसिएशन लेटर है, कुछ सर्टिफिकेट है, जो भी है आप उसे साथ में अटेस्ट करेंगे। अगर वो किसी और लैंग्वेज में है, जैसे हिंदी में है, पंजाबी में है या तमिल में है, बंगाली में, तो उसे आप इंग्लिश में फिर कन्वर्ट भी कराएंगे। तो ये बंच आपने रेडी करना है और अपनी एप्लीकेशन फाइल कर देनी है। अगर जो आपको फील्ड लगती है वहां पे, मेरे हिसाब से ये सारी फील्ड्स हैं जो मुझे बहुत मैच करती हैं, आप उन फील्ड्स में अप्लाई करेंगे और अगर आपके पास पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो 50% ये चांस होते हैं वीडियो कॉल के इंटरव्यू के, अदरवाइज 50% आपका कॉल पे इंटरव्यू भी हो जाता है, जिसमें वो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके पास वीजा है, तो आप कहेंगे मेरे पास वीजा है एंड आई एम विलिंग टू कम देयर फॉर द इंटरव्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वीडियो कॉल लेना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर आप नहीं भी लेना चाहते, आप कहते हैं कि हम आपकी कंपनी में फेस टू फेस आए, तो उसके लिए भी आपको एग्री करना है, मना नहीं करना है, आप उसको एग्री करिए कि नो प्रॉब्लम एट ऑल। और मेरी तरफ से राय आपको ये होगी कि थाईलैंड स्पेशली जब आप टूरिस्ट वीजा लेकर जाएं तो कोई एक इंटरव्यू के लेना जाएं, ऐसे अपने 5-6 इंटरव्यूज आप जरूर शुरू से ही शॉर्टलिस्ट कर लीजिए और उनकी अपॉइंटमेंट डेट्स और टाइम्स एक दूसरे से क्लैश ना हो इसका भी ध्यान रखना है। मेरा सजेशन रहेगा कि एक दिन में सिर्फ एक इंटरव्यू ही फिक्स करके जाएं, ऐसा ना सोचे कि सुबह यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ, शाम को यहाँ फिक्स कर लेता हूँ। आप थाईलैंड जा रहे हैं, जाम में फंस गए, हमें नहीं पता वहां पे क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, तो रिस्क नहीं लेना। हो सकता है आपका होटल थोड़ा सा दूर हो या जिस कंपनी में आप जा रहे हो उसकी लोकेशन आपको ना बताओ, टैक्सी वाला आपका टाइम लगा सकता है, बसेस में टाइम लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से आपको एक दिन में एक इंटरव्यू ही फिक्स करना है और वहां पे 5-6, 4-5 जितने भी आपसे बेस्ट पॉसिबल हो सके अपने पहले से इंटरव्यूज फिक्स करें, उसके बाद वहां पर जाएं। ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। थर्ड स्टेप होगा आपका इंटरव्यू क्लियर करना। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद कंपनी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर देगी, वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोगों के साथ गलत भी हुआ है, कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से उनको समझ में कुछ और आता है और वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर को अच्छे से पढ़ते नहीं और साइन करके दे देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेटर एक बॉन्ड होता है, एक लीगल बॉन्ड होता है, आप अगर उससे पीछे हट गए और इंडिया चले गए तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऐसी नौबत ना आए इसलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर ध्यान से पढ़ना होगा। सबसे पहले उसमें सैलरीज प्री डिफाइंड होनी चाहिए, आपके वर्किंग आवर्स डिफाइंड होने चाहिए, वीकली मंथली या आवरली इनकम उसमें अच्छे से डिफाइंड होनी चाहिए, किस पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं वो पता होना चाहिए, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको हायर किया जा रहा है वो पता होना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो मेंशन होनी चाहिए। जब ये सारी डिटेल्स कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है और वो सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया, अब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्क परमिट के लिए मेरी सजेशन ये रहेगी कि कंपनी, जो भी कंपनी आपको हायर कर रही है, वो आपके बेस पे वर्क परमिट इजिली अप्लाई कर सकती है, हर कंपनी के पास राइट होता है वहां पे। लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते तो आप किसी अटॉर्नी की हेल्प लें, खुद ना करें, किसी लॉयर की हेल्प लें, वो कंपनी से लॉयर आपको इजीली मिल जाएगा, बहुत आसान होता है ये। ऑल यू नीड टू डू इज रिक्वेस्ट द कंपनी, कंपनी तो वैसे ही कहेगी ठीक है हम आपका अप्लाई कर देते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये फीस आपको दे देनी है और आप उसको एग्री कर जाएंगे। अगर कंपनी कहती है नहीं हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप उनसे रेफरेंस मांगे, आप कंपनी की हेल्प ले सकते हैं, जिस पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं उसकी हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज अपने लोकेशन एरिया में लीगल अटॉर्नी, कोई भी लीगल अटॉर्नी आपकी हेल्प कर देगा, ये प्रोसेस बड़ा आसान होता है। वर्क परमिट मिल गया, बस
हो गया आपका काम, अब जॉब ज्वाइन करिए, वहां पे काम करिए, बस यही सिंपल सा है। वर्क परमिट को बढ़ा चढ़ा के, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट दिखा के, बहुत ज्यादा इसमें जो होते हैं स्कैम्स भी होते हैं। तो ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है ये बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा भी और तरीके होते हैं वहां पे वर्क परमिट या वर्क वीजा लेने के, जैसे किसी कंपनी ने इनविटेशन भेजा या आपकी यहीं की कंपनी जो है वो आपको वहां पे भेज रही हो, तो वो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन सबसे कॉमनली और सबसे वाइडली रिक्वेस्टेड और एक्सेप्टेड जो तरीका है वो मैंने आज आपको बता दिया है। तो अगर आप थाईलैंड में जॉब ढूंढ रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी काफी हेल्प करेगी। इसके अलावा भी काफी सारे अपडेट्स आ रहे हैं एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, वो बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। अपना समय देने के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।